नमस्कार, मैं हूँ रोमकिनी गुप्ता और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है HCL कॉन्सर्ट्स पर। ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है HCL कॉन्सर्ट्स का और इस सीरीज का नाम है बैठक, और इसमें HCL फीचर कर रहे हैं बहुत सारे चुनिंदे इंडियन म्यूजिक के डांसर्स, सिंगर्स और म्यूजिशियंस को। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ HCL कॉन्सर्ट्स का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और आप सबके सामने लाइव ऑनलाइन आने का मौका दिया। थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं रोमकिनी हूँ, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हूँ, प्लेबैक सिंगर भी हूँ और बचपन से मेरी तालीम हुई है शास्त्रीय संगीत में। जब मैं 5-6 साल की थी तब मेरे पहले गुरु रहे श्री चंद्रकांत आपटे जी, जो ग्वालियर घराना से ताल्लुक़ रखते थे, और उसके बाद मैंने एडवांस ट्रेनिंग की अंडर उस्ताद दिलशाद खान साहब फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। उसके बाद मैंने उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब से भी तालीम पाई और अब मैं करंटली ट्रेन कर रही हूँ अंडर श्री अरशद अली खान साहब, जो कि किराना घराना के बहुत बहुत प्रॉमिसिंग एक्सपोनेंट हैं। और पिछले एपिसोड में आपने देखा था यामिनी रेड्डी जी को, और उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है मधुवंती गाने के लिए, राग मधुवंती, और रागा सीरीज में मैं नॉमिनेट हुई हूँ ये गाना, ये राग गाने के लिए। तो मैं शुरुआत करूँगी राग मधुवंती के साथ। जुड़े रहिए और एंजॉय करिए। Yeah.
राग मधुवंती इज फुल ऑफ श्रृंगार, श्रृंगार रस का राग है ये, और एक परस्यूट है इसके जो इसका जो रोमांस है उसमें एक परस्यूट है, परसिवियरेंस है, एक परसिस्टेंस है जो गायकी में भी, गाने के अंदाज में भी। थोड़ा सा एक बंदिश सुनाने के पहले, बंदिश मेरे गुरु जी की है, श्री चंद्रकांत आप्टे जी की, उससे पहले थोड़ा सा रस्म उल्फत। दिल की राहों में, दिल के हर तरफ याद है दामन को बचाएं कैसे, रस्म ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन टचिंग मधुवंती। मधुवंती में वैसे तो शुद्ध निषाद है, लेकिन कभी कभी कोमल निषाद विवादी स्वर के हिसाब से हम लग सकते हैं इसमें। मेरे गुरुजी की जो कॉम्पोजिशन है उसमें कोमल निषाद भी कहीं कहीं है विवादी स्वर के हिसाब से। वो कहा करते थे कि
अगर कोमल निषाद लग जाए तो वो अंबिका कह के एक राग है, वो उसका प्रभाव आ जाता है। पावा गा मा पानी मा पसानी मा पनी उनकी बनाई हुई एक बंदिश पेश करती हूँ। चलो ना पिया रंग महल, मध्य ले झपटा। चलो ना
चलो ना
मामा बधनी धनी ना मामा बनी ना मामा रा मामा गरे जा चलो ना नीदा गरे धनी धनी ना मामा बनी ना मामा रा मामा गवा मामा गवा मामा गरे जा चलो ना नीदा गरे धनी धनी ना मामा बनी ना मामा रा मामा गवा मामा गवा मामा गरे जा चलो ना पानी नीदा परा मामा गवा मामा गवा मामा गरे धनी धनी ना मामा बनी ना मामा गरे धनी ना चलो ना चलो ना पानी जागर जानी रे सा पा जानी पानी दवा मारा मारा रे धनी दगा पा 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 चलो ना आपकी आ जाएगा मेला बंदिश एक ताल में मधुवंती राग में ही सुना रही हूं।
मधुवंती और इसके बाद लाइफ की जो जर्नी रही वो काफी इंटरेस्टिंग रही क्योंकि मैंने शास्त्रीय संगीत से शुरुआत की और उसके बाद 16 साल की उम्र में मुझे पहली बार मौका मिला डोवरलैंड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का और वहां पे मुझे नेशनल मेरिट से नवाजा गया, जिसके बाद मैं शास्त्रीय संगीत को और सीरियसली भी लेने लग गई और बहुत ज़्यादा प्यार भी हो गया मुझे उससे। और 2004 में मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट करके जी सारेगामापा में भी पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड सीरीज़ की मैं विनर रही। तो उससे जो है एक नया एक सिलसिला शुरू हो गया जहाँ पे मैं ब्रॉडवे शोज़ में भी गाने लग गई और थोड़ा बहुत फिल्मी
गाने भी मैंने गाए और 2014 में मैंने अपना पहला फिल्म का गाना गाया, फिल्म आँखों देखी के लिए, जो कि एक बंदिश ही था। मेरी किस्मत में भी ऐसी चीज़ रही कि शास्त्रीय संगीत से मैं कभी डाइवर्ट होके भी हो नहीं पाई। तो पहला जो मेरा गाना रहा वो एक बंदिश रही राग बिहाग में। थोड़ा सा सुनाती हूँ।
एक ट्रेडिशनल बंदिश आगरा घराने की बहुत फेमस लट्टे उलझे सुलझा जा बालम सुनाती हूँ। लट हुले जे सुन जा
बाद एक फिल्म में गाना गाया था मैंने, तुम्हारी सुलू फिल्म का नाम था और रफू वो गाना था जो मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम गाना रहा। इससे मुझे फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला
2018 साल में, और बहुत सारा प्यार मिला लोगों से, बहुत सारे लोगों को जानकारी मिली कि मैं शास्त्रीय संगीत भी परस्यू कर रही हूँ और साथ ही साथ बॉलीवुड में भी गा रही हूँ। तो उस गाने की थोड़ी सी झलकी आप लोगों के लिए पेश करती हूँ। इंसिडेंटली इस गाने में भी बहुत सारे रागों की छाया नज़र आती है, गौर सारंग की छाया नज़र आती है, छाया नट, थोड़ा बहुत कामोद, नंद, ये काफ़ी सम प्राकृतिक राग हैं और इन सबों की छाया इस गाने में कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा आपको दिखा सकूँ। कैसे कैसे धागों से बुनी ये दुनिया, कैसे कैसे धागों से बुनी ये दुनिया, कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कैसे कैसे धागों से बुनी कभी रूप कभी बादलों की लड़ियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, तूने सी है मैंने की है रफू ये शाम हुई तू जो आया सो गई थी कलियां, शाम हुई तू जो आया सो गई थी कलियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कुछ तूने सी है रफू ये डोरियां, हाँ कैसे कैसे धागों
से कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया। कभी रूप कभी बादलों की लड़ियां, कुछ थोड़ी सी है मैंने की हरफों ये डोरियां, तूने सी मैंने की है रफी ये डोरियां। यूं सीते सीते मिलों की बन गई कहानी, ये सागर वागा पा मागरे गरे मागरे सागर सारे सागर मागा पा मा मागा दा पा मा पा मागा पनी रे मा पा मागरे यूं सीते सीते मिलों की बन गई कहानी, कुछ तेरे हाथों से कुछ मेरी जुबानी, अब जो भी है ये आधा पौना है तो रंग रलिया। हाँ हाँ जो भी है ये आधा पौना है तो रंग रलिया। हाँ जो भी है आधा पौना है तो रंग रलिया, कुछ धुनी सी है मैंने की है रफू ये डोरिया, धुनी सी है मैंने की है रफू ये रो कैसे कैसे धागों से बुनी ये दुनिया, कभी रूप कभी बादलों की लड़ियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रखो ये डोरियां, तूने सी है मैंने की है रखो ये डोरियां। एक बंदिश सुनाती हूँ राग गौड़ सारंग में। लागी मोरी अखियाँ पियो पलाना, लागी मोरी अखियाँ पियो पलाना, लागी मोरी अखियाँ अली बिना पियो मोरा जिया घबरा गे, अली बिना चैन नहीं आवे घड़ी पर छीन गिरा लागी मोरी अखियाँ पियो पलाना, लागी मोरी अखियाँ पियो पलाना, लागी मोरी अखियाँ अली बिना पियो मोरा जिया घबरा गे, चैन
चैन नहीं आवे
घड़ी और इससे पहले कि मैं अपनी आखिरी पीस में जाऊं, आई वुड लाइक टू नॉमिनेट श्री राम प्रसन्न भट्टाचार्य हु इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन द 29th ऑफ अप्रैल एंड आई नॉमिनेट हिम टू परफॉर्म राग देश टू कैरी फॉरवर्ड दिस रागा चेन. द लास्ट पीस दैट आई शेल परफॉर्म इज इन राग हंसध्वनि.
सुनाती हूँ। बोल है अनोखा बालमा मोरा, नींदे भी चुराए नैना भी चुराए अनोखा बालमा। What up?
I know.
Thank you very much, all my listeners, for viewing this live concert. I'm very, very grateful to HCL Concerts for giving me this opportunity. Very, very thankful to them for taking this initiative to spread joy and happiness during these testing and trying times. I hope you have enjoyed the concert, and as I have nominated the next person in the series, Shri Ramprasanna Bhattacharya ji, on the 29th of April, to sing Raag Desh. Please join him as well at 7 p.m. Thank you very much.